हाय एवरीवन, मैं हूँ फिज़ा ख़ान और आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद मी में स्वागत है। तो मैं आज फिर से एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, और इस स्टोरी का टाइटल है डेस्टिनी ऑफ अ डोंकी, यानी एक गधे की तकदीर। डेस्टिनी मतलब होता है तकदीर। अ गार्डनर हैड अ डोंकी टू लोड हीज फ्लावर्स ऑन हिम, यानी एक गार्डनर के पास, यानी एक मालिक के पास एक गधा था। टू लोड हीज फ्लावर्स ऑन हिम, जो अपने फूलों को उस पर लादता, लोड मतलब लादता, एंड गो अराउंड टू सेल देम, और उन्हें जाकर अराउंड मतलब इधर उधर सेल करता। यानी इस पूरे सेंटेंस का मतलब है, एक गार्डनर यानी एक माली के पास एक गधा था जो अपने फूलों को उस पर लादता और जाकर इधर उधर उन्हें बेचता। वन डे, एक दिन, द डोंकी थॉट, यानी एक दिन गधे ने सोचा, ये थिंक का पास्ट वर्ब है, यानी गधे ने सोचा, दैट हीज मास्टर मेड हिम ओवरवर्क, उसके मालिक ने उससे ज़्यादा काम करवाया है। मेक का ये मेड, यानी मेक का ये पास्ट वर्ब है, मेड मतलब होता है करना, बनाना, इस तरह से इसका मीनिंग्स है। यानी उसका मालिक जो है उससे ज़्यादा काम करवाया है। सो इसलिए ही वेंट, वो गया, टू द लॉर्ड, यानी सरदार के पास गया। लॉर्ड मतलब होता है सरदार, तो वो सरदार के पास गया, एंड सेड, और कहा, माय प्रेजेंट मास्टर मेक्स मी ओवरवर्क, यानी मेरा मौजूदा मालिक, प्रेजेंट मतलब मौजूदा, मास्टर यानी मालिक, मेरा मौजूदा मालिक मेक्स मी मुझसे करवाता है ओवरवर्क, यानी ज़्यादा काम, मुझसे ज़्यादा काम करवाता है। तो देखिए, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बाद बाकी जितने भी है सभी में देखिए सेकंड वर्ब यूज़ हुआ है, यानी गो का ये पास्ट वर्ब है वेंट, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट हुआ, और यहाँ देखिए हैड है तो ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ थिंक की जगह पे थॉट यूज़ हुआ है, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यानी ज़्यादातर यहाँ पे स्टोरीज में ज़्यादातर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है, तो यानी सेकंड वर्ब में ज़्यादातर सेंटेंस होते हैं। सिर्फ ये वाला जो है आपका, क्योंकि यहाँ मेक मेड नहीं है, देखिए मेक का सेकंड वर्ब मेड होता है, और यहाँ फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यानी मेक, और मेक के साथ ऐसे यानी मेक करवाता है। तो ये जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके, उसका मौजूदा मालिक जो है उससे ज़्यादा काम करवाता है। सो इसलिए प्लीज़ चेंज माई मास्टर, इसलिए मेहरबानी करके, प्लीज़ मतलब मेहरबानी करके मेरे मालिक को बदल दीजिए, चेंज मतलब बदल देना। द लॉर्ड सेंड हिम, सरदार ने उसे भेजा, टू अ पॉटर, यानी एक कमार के पास, पॉटर मतलब होता है कमार, और कमार उसको बोलते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं कमार। तो यानी उसे सरदार ने उसे एक कमार के पास भेजा। हिज कंडीशन वॉज इवन वर्स देयर, उसकी हालत वहाँ और भी, इवन मतलब और भी, यहाँ तक नहीं है, यहाँ पे मतलब इसका और भी बदतर हो गई थी। वर्स मतलब होता है बदतर, ख़राब, यानी उसकी हालत, कंडीशन मतलब हालत, उसकी हालत और भी बदतर हो गई थी वहाँ पे। द पॉटर लोडेड अर्थन पॉट्स, यानी पॉटर जो कमार था वो लादता था, अर्थन मतलब होता है मिट्टी का, यानी मिट्टी के बर्तनों को लादता, ऑन हिम उस पर, एंड वेंट और जाता, अराउंड, अराउंड मतलब चारों तरफ,
सेलिंग देम इन द मार्केट, मार्केट में इधर उधर उन्हें बेचता। बीइंग, बीइंग मतलब हो रहा। टायर्ड, टायर्ड मतलब आप समझ ही गए हैं, टायर्ड मतलब थक जाना यानी थका हुआ। द डोंकी गधा अगेन वेंट टू द लॉर्ड यानी गधा जो है दोबारा गया, वेंट मतलब जाना, अगेन मतलब दोबारा, यानी गधा दोबारा गया टू द लॉर्ड यानी सरदार के पास। एंड रिक्वेस्ट और उससे, और रिक्वेस्ट की, इल्तिजा की यानी निवेदन की। देखिए मुझे हिंदी ज़्यादा नहीं आती क्योंकि मैंने उर्दू मीडियम स्कूल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है इसलिए। तो रिक्वेस्ट मतलब इल्तिजा की, निवेदन की हिम यानी उससे निवेदन की। टू चेंज हीज मास्टर अगेन दोबारा उसके मालिक को बदलने की ने रिक्वेस्ट की। बट नाउ लेकिन अब, द लॉर्ड वॉज वेरी एंग्री लेकिन अब सरदार बहुत गुस्सा हो गया था। विथ हिम उससे, ही सेंड हिम टू अ बूचर, देखिए बूचर यानी एक कसाई के पास उसे उसे भेज दिया उसने। द बूचर सॉ द डोंकी यानी कसाई ने गधे को देखा। एंड सेड और कहा, योर स्किन विल येल्ड गुड लेदर यानी तुम्हारे जिल्द, तुम्हारे त्वचा से हासिल होगा। येल्ड मतलब होता है हासिल करना यानी हासिल होगा, विल है तो यानी गागेगी, हासिल होगा गुड अच्छा लेदर यानी चमड़ा, तुम्हारे स्किन से हासिल होगा अच्छा चमड़ा। लिसनिंग टू द बूचर यानी कसाई की बातों को सुनकर, द डोंकी यानी गधा वेप्ट, वेप्ट मतलब रोया, फॉर हीज फुलिशनेस अपनी बेवकूफ़ी के लिए गधा रोया। तो आई थिंक ये स्टोरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी और इस स्टोरी का मोरल देख लीजिए। तो इस स्टोरी का मोरल है, वेर एवर यू आर एट द प्रेजेंट इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। वेर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं भी, यू आर यानी तुम हो, जहाँ कहीं भी तुम हो, एट द प्रेजेंट यानी इस वक्त, प्रेजेंट मतलब इस वक्त, तुम जहाँ कहीं भी हो, इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू, तुम्हारे लिए वही अच्छी जगह है। अभी तुम जहाँ कहीं भी हो वही तुम्हारे लिए अच्छी जगह है। तो इस स्टोरी का मोरल आप लोग समझ गए होंगे कि मतलब यानी ज़्यादा अच्छे के चक्कर में तुम अपने लिए ही ख़राब चुन लोगे, इसलिए जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारे लिए बेस्ट है, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। ज़्यादा अच्छे के चक्कर में मत जाओ वरना तुम्हें बुरा ही मिलेगा। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये स्टोरी भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ। बाय।